गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीडा के स्थापना दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस समारोह के अंतर्गत 260 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, साथ में 504 करोड़ रुपए के निवेश परियोजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश को निवेशकों के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को भूखंड का आवंटन पत्र भी दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और ग्रामीण विधायक विपिन सिंह मौजूद रहे। आज सहजनवा विधानसभा के गीडा औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का मैं सभी उद्यमियों की तरफ से और सभी सहजनवा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक पिपराई श्री महंतपाल सिंह जी, माननीय विधायक चिल्लूपार राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक बांसगांव विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक खजनी श्री राम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज विष्णु अजीत सरिया जी, ब्लॉक प्रमुख पिपरौली दिलीप यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह जी, श्री अश्विनी त्रिपाठी जी सहित सभी गीडा क्षेत्र के उद्यमी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया बंधु, सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आज गीडा का 30 वर्ष पूरा होने पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम में यह गीडा 1992 से एक औद्योगिक क्षेत्र में विकसित हुआ और 1992 में बनने के बाद यह गीडा औद्योगिक क्षेत्र का नाम रहा। कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, यह गीडा उपेक्षित रहा। यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। उस सरकारों को यह चिंता नहीं थी कि हमारे युवा बाहर पलायन करेंगे, कहाँ रोजगार पाएंगे। यह गीडा को आयोजित कर रहे हैं हम लोगों ने इसके शैशव काल से, आज से 33 वर्ष पूर्व जब इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर के आज तक हमने इसकी प्रगति देखी। गोरखपुर औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से आपकी सरकार आई है, आपने उद्योगों के लिए जो बेसिक नीड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें आज सड़क की जो 4-lane सड़क से पूरे क्षेत्र को सुविधा दी है, हवाई जहाज से आने जाने की आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से संचालित हो रही है, इसी प्रकार विद्युत की जो बात थी, 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है, और तो और सबसे ज्यादा जो यहाँ कठिनाई थी, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, उससे लोग यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए आकर्षित नहीं होते थे। आज ये सारी परिस्थितियां उद्योग लगाने के लिए अत्यंत अनुकूल है। गीडा इसमें अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। गीडा ने जिस प्रकार से 5 वर्षों में अपने को तैयार किया है, आज उद्यमी यहीं से नहीं बल्कि बाहर से भी अनेक उद्यमी यहाँ आकर के उद्योग लगाने के लिए तत्पर है। माननीय आपके द्वारा आज यहाँ प्लास्टिक पार्क, मेटल फैक्ट्री और रेडीमेड गार्मेंट के पार्क का जो शिलान्यास हो रहा है, मेरा मानना है कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गीडा के द्वारा। कभी औद्योगिक दृष्टि से शून्य और अति पिछड़े जनपदों में गिना जाने वाला गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश आज विकास के नित नए मानक
और प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए 1990 के दशक के गोरखपुर को, तब गोरखपुर की छवि क्या थी, गोरखपुर की पहचान क्या थी। जो पहले से गोरखपुर के चले आ रहे उद्योग थे वे सब बंद हो रहे थे। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। गीडा की स्थापना के लिए 1989 में प्रयास तो प्रारंभ हुए, लेकिन वे सभी प्रयास केवल कागजी खाना पूर्ति तक ही सीमित रह गए थे। आवागमन के साधन नहीं थे, न सड़कें अच्छी थी। 94-95 में अगर हमें लखनऊ जाना होता था तो गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में 8-10 घंटे का समय लगता था। गोरखपुर से वाराणसी आज से एक वर्ष पहले भी अगर आप जाने का प्रयास करते रहे होंगे तो 6-7 घंटे कम से कम गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में लगते थे। वायु कनेक्टिविटी गोरखपुर की नहीं थी, 1990 के दशक के प्रारंभ में ही यह बंद हो गई थी, जो वायुदूत की एक सेवा यहां चलती थी। ट्रेन में सीट्स नहीं मिल पाती थी। 1998 से लेकर 2017 तक मैं सांसद था और रिजर्वेशन के लिए, सिफारिश के लिए कितने लोग यहां पर सिफारिश करने के लिए लाइन लगाते थे, ये हम सब ने देखा है। और आज गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। हम सब जान रहे हैं गोरखपुर का 1990 में बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाना आज 105% की रेट से फिर से उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ कर चुका है। HURL के नाम पर स्थापित गोरखपुर का खाद कारखाना फिर से विकास की एक नई कहानी कह रहा है। पिपराइच में बंद हो चुकी चीनी मिल आज वहां पर फिर से प्रारंभ हो चुकी है और नई चीनी मिल स्थापित हो चुकी है। गोरखपुर की कनेक्टिविटी, लखनऊ से गोरखपुर की दूरी मात्र 3.5 घंटे में अब पूरी की जा सकती है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी मात्र 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। गोरखपुर की एयर कनेक्टिविटी आज 12 फ्लाइट गोरखपुर से देश के सभी प्रमुख महानगरों को जोड़ती है और गोरखपुर औद्योगिक विकास के देश से आगे बढ़ सके इसके लिए गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और बहुत शीघ्र जब यह बनकर के तैयार होगा तो गोरखपुर औद्योगिक विकास का एक नया क्षेत्र गीडा से लेकर के धूलिया पार तक हम सबको दिखाई देगा, जहां पे लाखों नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह हम सब पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का माहौल देना चाहते हैं, हमारी सोच विकास की क्या है। अगर जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर ही हम बटे रहेंगे तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। हमारे सामने हमेशा पहचान का संकट होगा, हमेशा हम लोगों के द्वारा अविश्वास की निगाहों से ही देखे जाते रहेंगे। लेकिन गोरखपुर ने जो फैसला 1990 के दशक में लिया था कि अपने पर लगे हुए कलंक से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, और मुझे लगता है 1994-95 से हम लोगों ने गोरखपुर के विकास के लिए जब भी किसी प्रकार के आह्वान की आवश्यकता हमें महसूस हुई, गोरखपुर का एक एक नागरिक मेरे साथ उस आंदोलन का हिस्सा बना रहा। हर व्यक्ति सड़क पर हो या कहीं भी हो, उस आंदोलन का हिस्सा गोरखपुर का नागरिक बना रहा। उसी का परिणाम है कि गोरखपुर के नागरिकों का समर्थन और उनका सहयोग आज गोरखपुर के विकास को एक मॉडल